कलेदार कुर्ती बनाना। कलेदार कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास यह 2.5 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है और यह कपड़े की प्रिंट कुछ इस तरह से है। आधे से कम कपड़ा यह प्लेन है और आधे से ज्यादा कपड़ा हमारा प्रिंट वाला है। तो मैं ये प्लेन कपड़े में प्रिंटर्स डालकर अपनी कलेदार कुर्ती बनाऊंगी और इसमें हम यह शलवार के कपड़े का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका कपड़ा इस तरह से नहीं है तो आप इस जगह पर शलवार के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कलेदार कुर्ते को बनाने के लिए मैंने कुर्ते की कटिंग पेपर पर कर ली है। कुर्ते की कटिंग और कंप्लीट स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। उसी मेथड से मैंने यह एक पेपर पे कुर्ते की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने इस तरफ से 1.5 इंच लिया है और यह मेरा इधर से बचता हुआ 5 इंच है। तो मैंने फिर 5 इंच 5 इंच इस तरफ से लेके पूरा एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पार्ट को पेपर पे कटिंग कर लेंगे। यह कपड़ा आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं ये पोर्शन पे प्लेन कपड़ा लगाऊंगी और फिर उस पर पिंटक्स दूंगी, क्योंकि प्लेन में पिंटक्स हमारी एकदम अच्छे से दिखाई देगी। और ये बीच वाला मैं प्रिंट वाला कपड़ा रखूंगी। तो आप अपनी चॉइस से इसे चौड़ाई में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें चौड़ाई में इतना चौड़ा हमें ये बीच वाला पार्ट चाहिए। ये 10 इंच चौड़ा हमारा बीच वाला पार्ट होगा। तो हम ये कपड़े को पूरा खोल लेंगे और ये प्रिंट वाले कपड़े में से हम अपना ये फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो हम इसको यहाँ से 10 इंच ले लेंगे, इसको नाप लेंगे। तो हमें 10 की बजाय यह 11 इंच लेना है, क्योंकि हमें यह सिलाई में भी इसको लेना होगा। तो इसलिए हम इसको 11 इंच ले लेंगे और लंबाई में वगैरह में हम इसी के बराबर ले लेंगे। या आपकी जो भी लंबाई है, लंबाई में आप 1.5 इंच प्लस करके लीजिए और इस तरह से हम ये वाला कपड़ा निकालेंगे प्रिंट वाले से। तो आप देखिएगा 11 इंच 11 इंच आपका हर तरफ से होना चाहिए और लंबाई आपकी जो आपकी आ रही है वो होनी चाहिए, क्योंकि 10 इंच हमने कट किया है, लेकिन हमें इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो वो सिलाई का कपड़ा भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इस कुर्ते की लंबाई 44 इंच है। फोल्ड करने के सहित तो हम ये 44 पर कपड़े पे मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा डबल में है कपड़ा और इस तरह से है। अब हम इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर कर रख लेंगे और हम यह जो प्लेन वाला पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। प्लेन कपड़े से हम ये साइड की कटिंग करेंगे। तो यह हमारी दो कलियाँ ही निकल रही है, तो ये हम दो कलियाँ हम फ्रंट में इन वाली को लगाएंगे और बैक वाले के लिए हम ये प्रिंट वाली कलियाँ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन इसमें भी हम इस तरफ से सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे 1/2 इंच, या आप जो भी सिलाई में लेते हैं उस तरह से आप इसे लीजिए। बस आपको सिलाई का एक्स्ट्रा रखना है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। पेपर पर कटिंग करने के बाद भी आप इन कलियों को ऐसे पिन लगाकर सेट कर लीजिए तो आपकी इक्वल बराबर इनकी कटिंग हो जाएगी। आपका पेपर लाइट वेट होता है, इधर उधर हिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आप यहाँ से इसको ऐसे पिंस लगा लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे हटा लेंगे और ये देखिए हमारा ये वाली कलियां इसके साथ जुड़ जाएगी। तो हम फ्रंट वाले में तो हम प्लेन कलियां रखेंगे और बैक वाले में हम ये प्रिंट वाली कलियां ही बनाएंगे। तो हम इन कलियों को रखकर इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इनके बराबर ही हमें इनकी कटिंग करनी है, इसमें हमें कोई सिलाई वगैरह का एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अभी हमने एक कली ही इस तरफ से निकाली है, अब हम एक और कली इस तरफ से निकालेंगे ताकि हमारा उधर से कपड़ा सीयूज का आसानी से पूरा बचे। अब हम इस तरह से रखेंगे। जब भी आप एक पोर्शन की भी कली कट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब भी कली कट करें तो ये सीधा सीधा अंदर होना चाहिए या उल्टा उल्टे साइड आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब हम इस तरफ से एक कली और इधर से निकाल लेंगे। ये थोड़ा इस तरफ हमारा प्लेन आ रहा है, वो हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा।
तो दो कलियां हमारी प्लेन रहेगी और दो हमारी प्रिंट वाली रहेगी। और ये अब हमारा कपड़ा बचा है, इसमें हम स्लीव्स बनाएंगे। अब मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमने कुर्ते की लंबाई को थोड़ा ज्यादा रखा है। आपकी जो भी लंबाई आ रही है उससे आप 2 इंच ज्यादा रखिएगा। जैसे कि मेरे पास यह कुर्ते की लंबाई 40 इंच है और मैंने इसको 44 इंच रखा है। फोल्ड करने का तो हमारा 1.5 इंच होगा और फिर हम इसमें जो प्लेन वाला पार्ट है इसमें हम पिनटक्स लगाएंगे, इसलिए हम इसे ज़्यादा रखेंगे। तो पिनटक्स में बहुत कम सिलाई में जाता है, तो आपका 2-2 इंच भी आप कपड़ा ज़्यादा रखेंगी तो भी आपको कपड़े की कमी नहीं होगी। अब हम इसमें पिनटक्स कैसे डालेंगे उसके माप करेंगे। एक कपड़ा लेकर हम उस पर पिनटक्स के माप लगाएंगे। आपको पिनटक्स कैसे डालने हैं, आप चाहें तो ऐसे स्लांट स्लांट पूरे में पिनटक्स डाल सकते हैं। कपड़े की सीधी साइड पर आपको ये मार्क करने हैं और पिनटक्स की डिस्टेंस आपकी चॉइस पर होगी। आप कैसे कितनी दूरी दूरी पर लगाने पर चाहते हैं, आप चाहें तो 3-3 पिनटक्स एक साथ लगाएं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यह हमारी 1.25 इंच की दूरी है। फिर उसके बाद आप तो यहाँ से आप जैसे ये 3 इंच का गैप दिया हमने स्लांट में और इनको मार्क करें, फिर हम 3 एक साथ पिनटक्स लगाएंगे। फिर हम 3 इंच का गैप देकर पिनटक्स लगा लेंगे। फिर हम 3-3 पिनटक्स एक साथ लगा देंगे। पिनटक्स आपकी चॉइस पर है, आप इन्हें कैसे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे शक्करपारे स्टाइल में भी बना कर लगा सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे स्लांट स्लांट भी लगा सकते हैं। फिर हम 3 इंच की डिस्टेंस देंगे। इस तरह से हम पिनटक्स के मार्क कर लेंगे। अब हम इन्हीं पिनटक्स के मार्क को यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट पर ऐसे रख कर ट्रेस कर लेंगे ताकि आपके निशान एकदम बराबर लग जाए, इक्वल लगे। इस तरह से आप रखिए, जिस पर आपके निशान है वह ऊपर की तरफ रखिए और इसको इस तरह से थपथपा दीजिए तो आपके सारे मार्क दूसरे वाले पर आ जाएंगे। हमारे मार्क हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम इस तरह से भी रखकर इन्हें कर सकते हैं कि आपका ये मार्क आपका इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे मार्क लगाइए, दूसरा वाला मार्क हमारा यहाँ आ रहा है तो आप यहाँ मार्क लगाइए। तीसरे वाले मार्क को आप इस तरह से रखते हुए लगा दीजिए और अब हम हर थोड़ी दूरी पर नीचे की तरफ इनके मार्क्स लगा देंगे। अब हम सबसे पहले ये पिनटक्स वाली सिलाइयों पर मशीन से सिलाइयां लगाएंगे और उसके बाद हम इन्हें बीच वाले पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। अब मैं आपको इसमें पिनटक्स की सिलाई लगाना बताती हूँ। तो ये मैंने पिनटक्स डाल लिए हैं, अब हम इसको आपको सिलाई लगाकर बताते हैं। तो बस आपको ऐसे पकड़ कर इसको फोल्ड करना है, आपको बस पकड़ कर इस तरह से खींचते हुए सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि ये क्रॉस में है और रेब में है तो ये फिर आपका स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा और ढीला ढीला हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसे रखें और किधर से भी इसको पकड़िए मत, खींचिए मत और सिलाई लगा लीजिए। और साथ साथ फिर दूसरे वाला पार्ट लीजिए और उसके साथ यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से देखिए हमारे पिनटक्स लग गए हैं और ये हमने 3 को एक साथ लगाने से ये उफर कर आ रहे हैं, पिनटक्स दिखाई दे रहे हैं। हम ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके साथ हम ये साइड से इनको जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए हमारे इतने सारे पिनटक्स लगने पर भी यह 1 इंच ही छोटा होता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पिनटक्स में आपका सिलाई में नहीं जाता। और इसी तरह से हम ये दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरफ रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। अब हमने इनको साइड से जॉइंट लगा लिया है, ये देखिए। और इसी तरह से हमने पीछे वाले को भी जॉइंट लगा लिया है, नॉर्मल सी सिलाइयां लगाकर हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने शलवार के कपड़े की
यह एक पट्टी लगाएंगे। यह मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसको बस हमें दिखानी 1/2 इंच ही है। इस तरह आप चाहे तो यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हैं और इस तरह से शलवार के कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हैं। यह पट्टी हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे। आप चाहे तो इस पट्टी को पहले प्रेस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। पहले आप एक साइड से फोल्ड करिए। अब हम इस साइड से इसको फोल्ड करते हुए इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और इसी मेथड से हम दो इस साइड भी यह पट्टी लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ पट्टियां लगा ली है, नीचे तक हमने लगा ली है। अब हम इसके नेक को तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम इस पर नेक ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम अंदर वाला आर्म होल भी कट करेंगे। तो इस जगह से 1.5 इंच तक तो आप सीधा रखिए और फिर आप इसमें शेप दीजिए और यहाँ हम इस पर ही मिल जाएंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे बाद में। और यहाँ से आप एकदम बराबर रखिए और यहाँ से नेक की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 2.75 इंच रख रहे हैं और नेक की लंबाई यहाँ से टोटल 7.5 इंच रहेगी। तो 7.5 पर हम मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 4.5 इंच तक एक सीधा मार्क लगाएंगे। ये हमारा गोल गला यहाँ पर बनेगा। तो इस गले को हमें कटिंग कर बनाना होगा और हाफ हाफ कर बनाना होगा। और यहाँ से हम कमर लंबाई तक, तो यहाँ से ये 7.5 का पॉइंट है, यहाँ तक हम ऐसे 1/2 से 1.75 इंच बाहर की तरफ रखकर एक वी शेप दे देंगे। तो अब हम यहाँ से इसको एक चोली लंबाई तक नापेंगे। तो चोली लंबाई इस कुर्ती में 15 इंच है, तो यहाँ तक हमें पट्टी की एक ज़रूरत होगी। तो इस जगह से आप नापिए तो यह आपकी आ रही है 10.5 इंच। तो हमें 10.5 इंच की हम इस पर्पल कलर के कपड़े से पट्टी बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। नेक की तो हम कटिंग कर लेंगे और बीच में हम एक सेंटर का मार्क लगा देंगे। ये जो हमारा 10.5 इंच का मार्क आ रहा है, ये आपकी चॉइस से आप इसे कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको छोटा लगाना पसंद करते हैं तो आप 9 इंच तक भी लगा सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस पर है। तो ये पट्टी एक सिमेट्री में लग रही है छोटी लगाने पे। तो यहाँ से अब हम इसे नापेंगे तो यह हमारी आ रही है 9 इंच। तो हम कैनवास पर 9 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो यह मैंने कैनवास लिया है, यहाँ से हम 1/2 इंच का गैप देंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच चौड़ाई में लेंगे। और ये जो हमने वी का मार्क लगाया है इसको हम नाप लेंगे, ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो हम इस जगह से 2.5 इंच लेंगे। और फिर हम हर तरफ से 1/2 इंच 1/2 इंच का एक मार्क लगा लेंगे। और लंबाई में हमने 9 इंच लिया था तो यहां से हम यह 9 इंच ले लेंगे। यहां तक हमें यह 1/2 इंच का मार्क लगाना है और इन मार्क को आपस में मिलाकर इस शेप की हमें कटिंग कर लेनी है। इस कैनवास को हम यहाँ पर शलवार के कपड़े पर प्रेस कर लगा लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे इसके आसपास। अब हमने ये इसको प्रेस कर इस कपड़े पर चिपका लिया। अब हम एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे। ये साइड में हमारा किनार वाला पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा कम ही रखूँगी और अब यहाँ से हम इसे रख लेंगे। अब हम ये जो कॉर्नर से यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे। ये कपड़ा इस तरह से यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। अब आप चाहें तो किनारे पे एक सिलाई लगा सकते हैं फिनिशिंग से या फिर रफ सिलाई लगाकर उसको खोलें। तो मैं यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। कैनवास की वजह से हमें पता चलता है कि यह कहाँ तक हमें फोल्ड करना है। कॉर्नर पर आकर आप सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए। इससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह से हमारी अच्छी फिनिशिंग से पट्टी बन जाती है। अब हम इसे नेक पर लगाएंगे। तो नेक की उल्टी साइड से हम इसे लाएंगे सीधी साइड पर। तो इसका भी हम ऐसे पकड़कर सेंटर निकाल लेंगे
और इसका भी हम यहाँ से ऐसे पकड़कर सेंटर निकालें। अब हम इस सेंटर से ये सेंटर मिलाएंगे और फिर ऐसे ये वी पार्ट पर सिलाई लगा देंगे। हमेशा पॉइंट पर आकर आप सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए। इस पोर्शन की हम कटिंग करेंगे और कट हम एकदम सिलाई के पास तक लगाएंगे। और इसको हम इस तरफ टर्न कर लेंगे। अब हम इसको पकड़कर इसका सेंटर निकालेंगे, मार्क लगाएंगे और ये सेंटर हमें इस सेंटर पर मिलना चाहिए। आप पहले एक रफ सिलाई बीच में लगा लीजिए, उससे आपको कपड़ा सेट करने में आसानी होगी। तो सिलाई हमें खोलनी है, इसलिए आप बड़ा बखिया कर लगाएं। अब हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे, बखिये को हम नॉर्मल कर लेंगे। सिलाई हम एकदम किनारे लगाएंगे। कॉर्नर पर आप हमेशा की तरह सुई को अंदर रखिए, फुट उठाइए और मुड़ जाइए। ये देखिए, अब हम ये एक कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा। अब हमने ये कैनवास लिया है और इसके ऊपर हम इस नेक कपड़े को रखेंगे और अब हम इस पर अपने कुर्ते को उल्टा रखेंगे। और यहाँ से आप देखिए कि आपका एक इंच के करीब कैनवास होना चाहिए। तो ये देखिए, एक इंच के करीब हमारा ये कैनवास इस तरफ है और हम यहाँ से यहाँ इस पर सिलाई लगा देंगे। नेक को पहले अच्छे से सेट करिए आप। इस तरह के नेक को हमें इसी तरह से बनाना होता है, आधा आधा कर। इस फुट के बराबर आप चलेंगे तो आपकी सिलाई एक जैसी आएगी। ये देखिए, आप इस तरह से टेढ़े मत होइए या इधर से कम मत होइए, आप इसके बिल्कुल बराबर चलिए। यहाँ आकर आप थोड़ा सा सिलाई को डबल कर लीजिए मजबूती के लिए। अब हम यहाँ से ये कैनवास और कपड़े को इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे और अब हम इस तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम ये कैनवास पर एक एक इंच का मार्क लगा देंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कैनवास की कटिंग करेंगे। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल पकड़ में नहीं आना चाहिए। और अब हम इस कपड़े को इस कैनवास से थोड़ा बाहर कट करेंगे और ध्यान रखें, आपका ये नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल पकड़ में नहीं आना चाहिए। अब हम इस नेक पर कट लगा लेंगे सब तरफ, सिलाई के एकदम पास तक। और अब हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे कैनवास के ऊपर इस कपड़े को फोल्ड कर। यह रफ सिलाई होगी हमारी, हमने इस कपड़े को इसके साथ सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। अब हम ये देखिए, ये हमारा कट है, यहाँ से बीच में से हम इसको कट करेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई पर आप तुरपाई करिए तो वह आपकी फिनिशिंग दिखाई देगी। इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे। ये कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं और यहाँ पर हम बटन्स लगा सकते हैं, टसल लगा सकते हैं, आप जो लगाना पसंद करते हैं उस आप लगा सकते हैं। और अब हम इसे पीछे वाले नेक के साथ जॉइंट कर फिटिंग देकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। पीछे वाला नेक बनाना और फिटिंग देना वगैरह सब कुछ मैंने अपने कुर्ता प्लेलिस्ट में बताया है, तो आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने ये कुर्ते को फिटिंग दे ली है। हमने इसको स्लीव्स को नहीं जोड़ा है अभी, क्योंकि हम स्लीव्स गोल कर जोड़ेंगे, मतलब कुर्ते को हमने गोल कर लिया और स्लीव्स को भी हम गोल कर जोड़ेंगे। अब हम यहाँ साइड के स्लिट्स पर यह पट्टी अंदर की तरफ लगाएंगे और बाहर की तरफ इसमें डोरी वाली पाइपिंग आएगी, तो इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को लेंगे और यहाँ से इसके साथ जोड़ना शुरू करेंगे। इस जगह से हमारी सिलाई इस तरफ आनी चाहिए और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर से जॉइंट करेंगे। ये जो हमारी सिलाई है इसके बराबर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो उससे पहले हम, ये ज़्यादा है, हम इसको पहले तो उल्टा कर लेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ से ये स्लिट है और इस जगह से ये कपड़ा काफ़ी सारा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम पहले कम करेंगे।
फिर हमें सिलाई लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे कट लगाइए और फिर इस तरह से आप इसे इतना एक जैसे कट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा कट और लगाएंगे, तो ये देखिए अब हमारा यहाँ से कम बचेगा। अब हम इसे लेंगे और यह पर्पल कपड़े से हम पाइपिंग लगाएंगे, तो थोड़ा सा और हम इसे बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस जगह पर हम आएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे। ये हमारा यही आ रहा है लेकिन हमें इसे थोड़ा बड़ा कट करना है और हमारी सिलाई बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल अपनी तरफ रखिए तो आपकी सिलाई एकदम यहाँ आकर रुक जाएगी। ये देखिए ये एकदम हमारी इसी जगह पर आकर रुकी है। अब हम इसी तरह से ये वाली साइड भी पट्टी लगा लेंगे। मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ से हमने ज़्यादा इसलिए रखा है कि इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारा ज़्यादा है। अब हम यहाँ से भी सेम मेथड से चलेंगे। अब हम इसमें यह डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने ये डोरी ली है, इसको मैं यहाँ रखूँगी और यह मैंने जिपर फुट लगा लिया है। जिपर फुट से डोरी बड़ी आसानी से लग जाती है। यहाँ से हम डोरी को थोड़ा बाहर रखेंगे और इस तरफ से हम ऐसे रखते हुए इसको पूरा इस तरफ टर्न हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे किनारे। ये जिपर फुट से ये सिलाई बड़ी आसानी से लग जाती है। इस जगह से हम कपड़े को मोड़ लेंगे इस तरफ और ये पट्टी पाइपिंग को फिर लगा लेंगे। हमें इस जगह तक मोड़ना है। इधर वाले पार्ट को भी हम इस तरफ मोड़ लेंगे और डोरी को हम बीच में से बिल्कुल कट नहीं करेंगे। इसी के साथ हम यहीं से इस तरफ टर्न हो जाएंगे। और अब हमने ये पाइपिंग लगा ली, दिखाई दे रही है। अब हम इसको इस तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम कुर्ते के स्लिट्स फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करेंगे। धागे का आप ध्यान रखिए, मैचिंग का धागा लगाइए। यहाँ आकर हम रुकेंगे, सुई को अंदर रखेंगे, फुट उठाएंगे और मुड़ जाएंगे, जैसा कि हम हर कॉर्नर्स पर करते हैं। और फिर यहीं से हम टर्न हो जाएंगे और इसको भी ऐसे ही वापस आकर सुई अंदर रखकर फुट उठाकर टर्न होकर यहाँ से नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा लेंगे। आगे की तरफ यह पाइपिंग होगी और पीछे की तरफ यह पट्टी होगी। आगे की तरफ भी आप देखिए, आपके यहाँ पे कोई शेल वगैरह नहीं होना चाहिए। यह हमारी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से आई है और ये हमारे साइड्स के स्लिट्स हैं। जब ये हमारे साइड्स खुलेंगे तो यह पाइपिंग इस तरह से दिखाई देगी, तो ये दिखाई देने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और इस तरह से हमारा यह कुर्ता बनकर कंप्लीट है। इसकी साइड्स में देखिए ये जो हमने पिनटक्स लगाए हैं वह करीब से आपको दिखा रही हूँ। और इसकी स्लीव्स पर भी हमने यह डिज़ाइन दी है, ये बटन्स लगाए हैं और नीचे हमने पर्पल कपड़ा लगाया है। और इसकी साइड्स पर भी हमने यह पाइपिंग दिखाते हुए पीछे की तरफ यह पर्पल पट्टी लगाई है। हमने सिर्फ साइड्स पर लगाई है, नीचे की तरफ हमने यह पट्टियाँ नहीं लगाई है। इस कुर्ते के साथ हमने यह शलवार बनाई है। इस शलवार का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा यह कुर्ता बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।